तो चलिए इस बार भी हम यहाँ पे आए हैं, आपको ग्राउंड लेवल पे एकदम रिपोर्ट दिखाएंगे धाकड़ न्यूज पे। तो हम यहाँ पे कोई मुद्दा उठाते हैं, तो इस बार का मुद्दा है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं है बहनचोद। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक ठेला वाला है जो कि चाउमीन बना रहा है, तो आइए इनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे, कहे कि जो लोकल चीज़ है उनको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रद्युमन कुमार। कब से फास्ट फूड के बिजनेस में हैं आप? 9 साल से। 9 साल से ही चाउमीन उमिन बनाते हैं। तो ये बताइए कि जो अभी हम देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध है, तो क्या लगता है उस युद्ध से कुछ असर हमारी इकोनॉमी वगैरह पे पड़ेगा कुछ? नहीं, हमारा काम तो ठीक ही चल जाता है। अब युद्ध रसिया में हुआ तो हमको का ही फ़र्क पड़ेगा, मतलब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी? अरे ऐसे कैसे नहीं है, पहले 6,000 में रसियन आती थी, अब 6,000 में थोड़े आएगी? सब हो गया, सब चीज़ धीरे धीरे महंगा हो रहा है। तो क्या बना रहे हैं अब, क्या बनाते क्या हैं? हमारे पास नूडल्स का बहुत सारा वैरायटी रहता है, जैसे कि हम चॉकलेट चाउमीन बनाते हैं, अंडा चाउमीन बनाते हैं, मटर चाउमीन बनाते हैं, भुजिया चाउमीन बनाते हैं, और फिर कोक चाउमीन बनाते हैं। ये सब चाउमीन अलग अलग वैरायटी का है जी? हाँ। अच्छा, तो बेस्ट क्या है आपका जो सब लोग खाते हैं वैसा? हम कोक चाउमीन जो बनाते हैं वो बहुत बिकता है। कोक चाउमीन, तो एक प्लेट हमारे लिए भी बनाइए। ये देखिए, इनका जो कहना है कि यहाँ पे ये कोक चाउमीन बनाते हैं, का जी ठीक है, बढ़िया टेस्ट है जी। तो इनका जो कहना है कि अलग अलग वैरायटी का चाउमीन बनाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे कि ये देखिए हमारे लिए बना रहे हैं, कुछ इन्होंने डाला है देखिए। उसके बाद ये क्या है, मटर है जी? हाँ मटर है। ये देखिए इन्होंने मटर भी डाला है, तो बड़ी ही एक अतरंगी तरह से ये बना रहे हैं, पता नहीं क्या है बट हम देखेंगे कि क्या बना रहे हैं। ये देखिए उसके बाद कुछ हरा हरा डाले हैं, एकदम फूड ब्लॉगर वाला टाइप फीलिंग आ रहा है ना जी यहाँ। ये देखिए भैया ने चटनी डाला है, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब तेरी बहन के चलो फूड ब्लॉगर। नाइस नाइस। ये देखिए कोक मिला दिए जी, कोक है। ये देखिए कोको कोला यहाँ पे मिला दिए हैं, अभी कोक चाउमीन ही कह रहे हैं कि कोक चाउमीन ही। इस साला खाने से गाँव का कैंसर ना हो जाए बहन चो। ये देखिए यहाँ पे बन गया इनका कोक चाउमीन, जो कि हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि एक जो लोकल जो भी फूड है, जो भी लोकल जो फूड बिजनेस है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग खा के देखेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन बरमुंडा बुरकुमार के भी मुंह लपलपा रहा है जी। हाँ पहले हमको खाने दो, फिर तुमको खिलाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया है बन के, एक कोक चाउमीन है, तो यहाँ पे हम खा के इसका टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है जी, लेकिन क्या करोगे, जो लोकल फूड बिजनेस है उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, लोकल फूड बिजनेस को। खाना बनाता है जी, एक तो साला उटपटांग, एक तो साला उटपटांग चाउमीन किया रहा है, ऊपर से गाल का बाल भी दे रहा है। इस तरह के बताइए, इस तरह के खाना होता है कुछ? गरीब आदमी बताइए, कोको कोला साला डालता है बेचो, गांव में कैंसर हो जाएगा। बोला ए ए धर के लो साले के। नहीं नहीं कोई नहीं, बढ़िया कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं, गरीब आदमी साला गांव में कैंसर करवा देगा। ये सब फूड ब्लॉगर के चलते हो रहा है जी, हम जानते हैं। ये देखे ये सब डाल के कौन बनाता है साला? बढ़िया ये बहन चोद, ये सब उटपटांग चीज डाल रहा है, कोई चीज में नहीं डाल रहा है, साथ में गाड़ का बाल भी दे रहा था पीछे से निकाल के। नाइस।